हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यदवंशी ब्लॉग 0304 चैनल पर। तो देखिए, एक बढ़िया सी स्वादिष्ट सी चटपटी सी डिनर लंच की रेसिपी लेकर आए हुए हैं आज फिर, और ये भी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। तो बिल्कुल नई यूनिक रेसिपी है ये, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हो सकता कुछ लोग ही जानते हो इसके बारे में, वैसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए बता देते हैं आज क्या आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्या बना के दिखाने वाले हैं। तो मेरे पास ये पुदीना और धनिया है। तो पुदीना थोड़ा सा काला पड़ गया क्योंकि 5-6 दिन हो गया था आए हुए, टाइम नहीं मिल पाया बनाने का। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा काला हुआ लेकिन टेस्ट ठीक है। तो साफ ऑफ करके धो के रख लिया है, और अब देखिए इसकी क्या बना रहे हैं, कैसे इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पर पूरे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो कुछ भी मिस हो जाएगा, फिर नहीं बनेगी परफेक्ट जैसा बता रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, स्किप करके ना देखिएगा। तो इस तरीके से पुदीना और धनिया धो के साफ़ करके रख लिया है और एक बर्तन में रख दिया था पानी गर्म होने को। थोड़ा सा बॉयल हुआ है, उबला नहीं है अच्छे से, पानी खौला नहीं है, बस गर्म हुआ है। उसमें डाल दिया नमक आधा चम्मच के करीब, उसी में डाल देंगे अब ये पुदीना। और नमक डालने से क्या होता है ना कि कलर नहीं ख़राब होता है, जैसे ग्रीन चीज़ उबालेंगे तो उसका कलर ग्रीन अच्छा सा बहुत खिल के कलर आता है, तो इसलिए नमक डालना ज़रूरी रहता है। जैसे पालक उबालने के टाइम पे हम लोग डालते हैं ना नमक, और उसी में फिर धनिया डाल दिया है और अच्छे तरीके से उसी में इसको मिक्स कर देंगे, धनिया पुदीना को अच्छे तरीके से। और बस 2 से 3 मिनट चाहे 4 मिनट बस बॉईल करेंगे उसको, बहुत अच्छे से बॉईल नहीं करना है, नहीं खोलाना है इसमें, नहीं तो कलर जो है ना फिर हरापन नहीं आएगा उतना अच्छा, ख़राब हो जाएगा कलर। तो देखिए 3-4 मिनट हो गया था बॉईल होते हुए और हल्का सा उबाल आया, तो गैस को बंद कर दिया। अब उसको रख दिया ठंडा होने के लिए। तब तक इधर करते हैं आगे की तैयारी। तो आगे की तैयारी में कढ़ाई रख दी है गर्म होने को, हो गई है गर्म। उसमें डाल दिया राई का तेल, सरसों का तेल, और अब इसमें हम लोग फ्राई करेंगे पनीर। और ये पनीर मेरे घर की ही है बनाई हुई, क्योंकि दूध फट गया था तो उसका पनीर बना लिया हमने, मार्केट की नहीं है। और घर की पनीर बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बनती है, मार्केट की पनीर से अच्छी बनती है घर की पनीर। तो इसमें तेल को अच्छी तरीके से बिल्कुल खूब गर्म हो गया था ना, तब डाला है पनीर, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में जब पनीर डालेंगे तो पनीर टाइट नहीं होती है, और कम गर्म में डाल देंगे तो टाइट भी हो जाती है पनीर। तो इसीलिए बस 2 मिनट ही इसको फ्राई करेंगे, 2 मिनट में हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, नहीं तो उसके बाद फिर थोड़ी सी कड़ी हो जाती है पनीर, सॉफ्टनेस उसकी ख़त्म हो जाती है पनीर की। तो देखिए बस हो ही चुकी है लगभग, बस ऑलमोस्ट 1-2 मिनट ही इसको करना है। तो पनीर हमारी फ्राई हो रही है, तब तक हो गई है, गैस को कर दिया है बंद। अब निकाल लेंगे पनीर अपनी। तो देखिए चला रहे हैं इस तरीके से, देखिए कलर भी आ गया है बढ़िया सा, हल्का हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं चाहिए हमको। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गोल्डन भी खाते हैं, तो आप कर सकते हैं आपको जैसा पसंद है। और बहुत से लोग तो देखिए कच्ची पनीर भी डालते हैं, पालक पनीर या और किसी सब्जी में, ज़्यादातर देखिए कच्ची पनीर ही डालते हैं, वैसे ही कट करके वैसे ही डाल देते हैं बिना फ्राई किए हुए। तो चलिए उसी तेल में फिर हम लोग आगे की तैयारी करते हैं। तो आगे की तैयारी के लिए उसमें डाल दें 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, अदरक का नहीं, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची कूट करके डाली, और 1 बड़ी सी प्याज बारीक कट करके इसमें डाल दी है। अब इसको होने देंगे अच्छे से गोल्डन फ्राई प्याज, और चला चला के, और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगी। प्याज को अच्छा सा कलर आने देंगे गोल्डन गोल्डन। तो प्याज का कलर आ गया है बढ़िया सा जैसा चाहिए था। अब इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। तो अदरक 1-1.5 इंच के करीब टुकड़ा था, और मिर्ची टेस्ट के अनुसार आप डालिए तीखा, और 7-8 लहसुन की कलियाँ थी। और ये अब डाला है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको पीस लिया है, उसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नॉर्मल टमाटर डाल के पीसा है और कुछ भी नहीं डाला है। तो देखिए ये भी हो गया है तैयार, हो गया बढ़िया से हमारा अदरक लहसुन टमाटर सब भुन गया है। अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, ड्राई मसाले में जाएगा ये 1/2 चम्मच के करीब गर्म मसाला, और अब जाएगा इसमें धनिया पाउडर उतना ही 1/2 चम्मच, ये हल्दी जाएगा 1/2 चम्मच, और ये जीरा पाउडर 1/2 चम्मच,
और अब जाएगा ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, तो 2 चम्मच भर के डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तीखा नहीं, तीखा तो हरी मिर्च डाल दी थी तीखे के लिए हम लोगों ने, तो इसलिए तीखे की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मसाले, ड्राई मसाले जो डाल लेते हैं, इनको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ड्राई मसाले भी भून गए देखिए, और कलर जब तेल छोड़ने लगे तो समझिए भून गया। और ये देखिए जो पुदीना और धनिया थी ना, उसको पीस लिया था ठंडा करके, फिर उसको पीस लिया था। तो देखिए कलर, देखिए आप कितना अच्छा सा आया है, ग्रीन बहुत सुंदर कलर आया है, जो कि इसमें कैमरा में फिर भी थोड़ा कम दिख रहा है, और रियलिटी में बहुत खूबसूरत कलर आया था, इसमें इतना ग्रीन नहीं दिख रहा है, असली में बहुत ग्रीन दिख रहा था कलर। और अब इसमें सब पेस्ट, अदरक वो पुदीने का और धनिया का पेस्ट और मसाला सब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, तो थोड़ा सा कलर में फ़र्क आएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद फिर ग्रीन कलर आ ही जाएगा जब मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। आप देखिएगा कलर बहुत सुंदर आने वाला है। तो अब देखिए कलर आ गया ना अच्छा सा, वो मसाला उसमें मिक्स हो गया तो कलर आ गया थोड़ा सा, तो कलर 19-20 का हो ही जाता है, जैसे हम लोग पनीर और पालक पनीर बनाते हैं उसमें थोड़ा सा कलर फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारी फ्राई की हुई पनीर रखी हुई थी, इसको वो भुन गया है आराम बढ़िया से, पुदीना और धनिया अच्छी तरीके से उसका पेस्ट भुन गया है। और अब इसमें डाल देंगे पनीर, डाल दिया पनीर, डाल के 2 मिनट तक चलाएंगे 1 से 2 मिनट, ताकि पनीर में भी अच्छे से मसालों का और सब चीज़ का फ्लेवर पहुंच जाए। और अब इसके बाद आप ऐसे भी रख सकते हो, इतना सूखा भी ज़्यादातर होटल रेस्टोरेंट में देखिए इतना ही सूखा मिलता है, तो आप अगर इतना ही सूखा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो इतना ही सूखा चलेगा, नहीं तो अगर हम लोग तो खैर ग्रेवी थोड़ा चाहिए तो इसलिए पानी डालेंगे। तो ये जो ग्रीन पानी आपने देखा है ना, ये हमारे मिक्सर के डब्बे का था, उसको भी खंगाल के डाल लिया है, मेरी आदत है मिक्सर के डब्बे में जो भी मसाला या रहता है उसको पानी डाल कर थोड़ा सा खंगाल के यूज़ कर लेते, फेंकते नहीं, क्योंकि उसमें भी मसाला या लगा ही रह जाता अच्छा खासा। तो इतना हमने पानी डाला, अभी पानी थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा और पानी डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी हमको, क्योंकि चावल के साथ खाने में, रोटी के साथ, चपाती के साथ खाने में चलता है, लेकिन चावल के साथ ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो अब इसमें इस टाइम पे डाल देंगे नमक, नमक बिल्कुल मतलब एक लास्ट स्टेज पे डालेंगे, जल्दी नहीं डालेंगे। तो अब बिल्कुल हमारा तैयार है, देखिए 2-3 मिनट पकाएंगे, तो इस तरीके से अब कर दी है प्लेटिंग। और प्लेटिंग देखिए कितनी खूबसूरत आई, प्लेटिंग के लिए मलाई रखी थी मेरे पास, उसको फेंट के इसमें ऊपर से गार्निश कर दी मलाई से, तो बहुत यम्मी बहुत अच्छी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, आई होप ज़रूर आपको पसंद आएगी। और मेरे चैनल पर ऐसे आपको नई रेसिपी मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ, बेहद ही यूनिक टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।